हेलो फ्रेंड्स, ओमो फोसो वीडियोस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरा दिल टूटा हुआ है, बहुत दुखी मैं हूँ, ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ। और यहाँ पे मेरा जितना भी फ्रेंड्स है अरुणाचल प्रदेश के, सबका दिल टूटा है, सब चिंता में है, क्योंकि आज ऐसा खबर मिला है अरुणाचल प्रदेश में भी ये कोरोना वायरस जो आ गया है। हमने कभी नहीं सोचा था ये कोरोना वायरस इतना जल्दी इतना आसानी से हमारा स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि जो नेशन वाइड लॉकडाउन जो चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में बहुत अच्छा से फॉलो किया गया है। हर विलेज में वहाँ के जो लोकल पुजारी है अपना अपना विलेज को पूजा करके बंद किया गया था, ताकि ये कोरोना वायरस कहीं से भी ना आ पाए, और वहाँ के जो लोकल रिश्तेदार है वो भी नहीं मिल पा रहा था। मगर कुछ मुसलमान भाई है, हमारा जान के परवाह के बिना, अरुणाचल प्रदेश के इनोसेंट लोगों के जान के परवाह के बिना अपना रिलीजन के नाम पे दिल्ली में कुछ इवेंट चल रहा है मुसलमान रिलीजन के, तबलीगी जमात कुछ भी हो, कुछ इवेंट चल रहा है उसको अटेंड करके 18 या 19 मार्च के बीच अरुणाचल प्रदेश में कुछ 6-7 लोग आ गया था, तो वही अरुणाचल प्रदेश में कोरोना वायरस को लेके आ गया है। लोहित डिस्ट्रिक्ट में पहला पॉजिटिव केस पाया गया है, उसका नाम है अब्दुल खान तालुकदार, जो कि 31 ईयर ओल्ड मेल है। हमने अपना जान तो परवाह नहीं किया, हम मानते हैं आप मर भी जाए तो हम मानते हैं आपका जान गया, मगर आप ये भी जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत कम है, बहुत कम मेडिकल है, बहुत छोटा छोटा मेडिकल है, वहाँ पे इक्विपमेंट नहीं है, आपको पता है। इसलिए हम ये जो लॉकडाउन है बहुत सही तरीके से फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि हम सभी को परवाह है अगर ये कोरोना वायरस आ गया तो हम सब मर जाएंगे। मगर आपने जानते हुए जानबूझकर ये कोरोना वायरस हमारा स्टेट में लाया है, तो आपको अरुणाचल के वासी आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। हम अरुणाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारा लॉकडाउन है यहाँ पे है, हम अरुणाचल प्रदेश नहीं गया हुआ है क्योंकि हमें अरुणाचल प्रदेश की परवाह है। हमको अरुणाचल जाने के लिए पहले चंडीगढ़ एयरपोर्ट जाना होगा, दिल्ली एयरपोर्ट जाना होगा, दिल्ली ट्रेन स्टेशन जाना होगा, वहाँ पे हर जगह कोरोना वायरस फैला हुआ है। हमें डर था अगर हम यहाँ से अरुणाचल प्रदेश जाए तो वहाँ हमको कोरोना वायरस लग सकता है, और हम कोरोना वायरस अपना अरुणाचल प्रदेश ले जा सकता है। हमें अरुणाचल प्रदेश की परवाह था, इसलिए हम अरुणाचल प्रदेश नहीं गया है, क्योंकि हमारे साथ ये कोरोना वायरस जो जा सकता था, और हम यहाँ पे लॉकडाउन है या कोरोना वायरस के बीच हम रह रहे हैं। मगर आप जो जानते हो ये सब, अरुणाचल प्रदेश में कोरोना वायरस को लेके आ गया है, आपको अरुणाचल के वासी, आपको अरुणाचल के लोग कभी माफ़ नहीं करेंगे, आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे, आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। और अरुणाचल प्रदेश के मेरा अंकल आंटी भाई बहन दीदी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ये कोरोना वायरस हमारा स्टेट में आ गया है, आपको इतना नहीं डरना है, बस आपको इसे बच के रहना है, जैसे भी बचना है। इसके लिए आपको अपना बेटा बेटी दीदी बहन जो भी रिश्तेदार, घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है, जो भी खाना पीना है आपको अभी से स्टोर करके अपना रूम में रखना है, क्योंकि अगर आपको लग जाएगा तो सब मर जाएगा। आपको पता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में मेडिकल है मगर बहुत कम है, इक्विपमेंट नहीं है, डॉक्टर कमी है, अगर आपको लग गया तो सबको लग जाएगा, फैमिली को लग जाएगा, रिश्तेदार को लग जाएगा, पूरा टाउन को लग जाएगा, पूरा विलेज को लग जाएगा, सब मर जाएगा। मेडिकल इतना छोटा है, कहाँ कहाँ में हम घुसेंगे, तो आपको इसे जैसे भी बच के रहना है। और आपका जो बेटा बेटी भाई बहन जो भी पंजाब में लॉकडाउन है, हम सभी के तरफ से मैसेज ये है कि आप घर से बिल्कुल भी बाहर मत निकलो, जो आपके बेटा बेटी भाई बहन है, दादा दादी है, किसी को भी घर से निकलने मत दो, आपको जैसे भी इसे बच के रहना है। हम सभी को बहुत चिंता है। जय हिंद, जय भारत।